धन्यवाद देना चाहूंगा आपको जो अवार्ड मिला है नेशनल आर्टिस्ट फिल्म के लिए। पहला सवाल ये है कि आपने जो करियर की शुरुआत की शॉर्ट फिल्म, फिर डॉक्यूमेंट्री, फिर फिक्चर फिल्म, लेकिन हर चीज जो है आपका बिहार के लिटरेली घूमता है, ऐसा क्या फील करता हो बिहार के बारे में आपको? आपका कनेक्शन है वहाँ से, आप वहाँ के रहने वाले निवासी हैं इसलिए? हाँ, मतलब बिहारी हूँ मैं, तो सारा कुछ बिहार का ही है, बिहार मेरे अंदर है, मैं बिहार के अंदर हूँ, ऐसे ही चलता है। तो क्योंकि बचपन जहाँ बीता और जहाँ इतनी सारी चीज़ें देखी, जहाँ के बारे में हमेशा पढ़ा, वहाँ का लिटरेचर, वहाँ का सब कुछ, तो बिहार में ही रचा बसा हूँ मैं। इसलिए मेरी सारी कहानियाँ आगे या पहले जो कही हैं, बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, सब बिहार के ही रन होता है, या थोड़ा सा उसमें यूपी के भी रेफरेंसेज आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बस वहाँ की कहानी ही कहना चाहता हूँ ज़्यादा। आपने कैरियर की शुरुआत की गरम मसाला से, फिर ट्रैफिक सिग्नल में काम किया, बड़े लोगों के साथ काम किया, तो बिहार या बिहारी जो कम्युनिटी है उसके बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग क्या सोचते हैं? पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग वही सोचते हैं जो फिल्मों में देखते हैं वो, क्योंकि वो कभी गए तो नहीं है बिहार में, तो उनको पता नहीं। मैं तो वहाँ पे पली बड़ी हूँ और मैं कभी भी बिहार को यहाँ के लोग जो सोचते हैं उसके थ्रू देख ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो सच्चाई नहीं है। तो बस यही कहना है हमेशा कि फिल्मों के कारण या फिल्मों के थ्रू जो बिहार की छवि बनाई जाती है और जो एक कैरिकेचर या स्टीरियोटाइपिंग की जाती है, उससे ही बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कहते हैं कि अरे हमें तो बहुत डर लगता है बिहार जाने में। तो वो जो डर है, जब वो बिहार अभी गए ही नहीं तो आया कहाँ से, तो वो एक कुछ कुछ क्वेश्चन हैं और इस तरह से वो लोग देखते हैं। तो मैं सिर्फ आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, ऐसा है नहीं वहाँ। ये जो सब्जेक्ट है फिल्म में, सब्जेक्ट है और जो आपने एक्टर को कास्ट किया आपके पहले फिल्म में वो है, तो क्या ऐसा अपीलिंग था इस सब्जेक्ट में या एक्टर में, क्या आपको यूएसपी नजर आई कि आपने फिर से उन्हें कास्ट किया इस फिल्म में? पहली फिल्म में जब उन एक्टर को कास्ट किया था, तो हालांकि वैसे वो बहुत बड़े मॉडल हैं मुंबई में, अच्छी अच्छी हिंदी फिल्में भी उन्होंने की हैं कुछ और आगे भी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अच्छी बात ये है कि वो मैथिली उनकी मातृभाषा है, उनकी भाषा ही मैथिली, और मैं मैथिली फिल्म बना रहा था, तो मेरा नेचुरल चॉइस हो गया था कि मैं इनको कास्ट करूँ, क्योंकि ऑथेंटिक मैथिली बोलने वाले लोग मिलेंगे नहीं जल्दी, और जो कि इतने अच्छे एक्टर भी हों, इसलिए इनको कास्ट किया गया, क्रांति प्रकाश झा को, और फिर पंकज झा, अनुरिता झा, जितने भी है सब झा लोग ही ज़्यादातर मिले इंसिडेंटली, क्योंकि झा जितने भी होते हैं वो मैथिल होते हैं। नेशनली तो आपको सफलता मिल गई, इंटरनेशनली भी जा रहे हैं, उसके बारे में बताइए क्या प्लानिंग, कहाँ जा रहे हैं? अभी 18 तारीख को मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया, जो कि टोरंटो में हो रही है। 21 मई को वहाँ पे ब्रैम्पटन में सिनेप्लेक्स ओडियन थिएटर में 7 बजे फिल्म दिखाई जाएगी, तो जो भी कनाडा के दर्शक ये देख रहे हो, प्लीज़ गो एंड सी द फिल्म ऑन 21 मई एट ब्रैम्पटन सिनेप्लेक्स ओडियन, एंड वी विल बी देयर, हमारा कास्ट क्रू, मैं रहूँगा, मेरे कुछ एक दो एक्टर्स रहेंगे, तो वहाँ पे जा रहे हैं, और भी बहुत दूसरी जगहों से भी बुलावा आ रहा है, वहाँ पे हम लोग फिल्म भेज रहे हैं दूसरे देशों में, वहाँ पे भी लोग देख रहे हैं, उन्होंने भी बुलाया है, उसके बाद यूएस जाना है। तो क्योंकि क्या होता है कि भाषा कभी भी रोकती नहीं है सिनेमा को, वो सिनेमा इज़ अ विजुअल कल्चर, और जिनको विजुअल्स दिखता है सबटाइटल के साथ उनको फिर वो अपील कर जाता है। इसलिए पिछली फिल्म भी जो देसवा मैंने बनाई थी, वो 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई, 8 देशों में गई, इंडिया में ही कई सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट किया, उसके अलावा यूएस और कनाडा, सिंगापुर, फीजी, पता नहीं कहाँ कहाँ। जी, एक्ट्रेस के बाद प्रोड्यूसर बनने का सफर कितना रिस्की रहा आपके लिए, कितना चैलेंजिंग रहा, ये पूछना चाहूंगा, फिल्म अवार्ड मिलना, नेशनल अवार्ड हो, कोई भी अवार्ड मिलना, या मान लीजिए फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को शोकेस करना, आपको लगता है कि ये सक्सेस का पैरामीटर है, क्योंकि जब तक कमर्शियली सक्सेस नहीं होता फिल्म, तब तक उसको सक्सेसफुल नहीं माना जाता? करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सिर्फ मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि मैं एक्ट्रेस के बाद नहीं हूँ, मैं अभी भी एक्टिंग करती हूँ, मैं एक्टर प्रोड्यूसर आप मुझे कह सकते हैं, एंड अच्छी स्क्रिप्ट रहती है तो काम करते ही सिर्फ, तो मुश्किल तो रहती है हमेशा कि हम लोग इस तरह से एक सबका कहना होता है, सबने मुझे बहुत डिस्करेज किया है कि यू शुड नॉट डू ऑल दीज फिल्म, तुमने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं तो तुम्हें हिंदी फिल्म प्रोड्यूस करनी चाहिए, एंड बॉक्स ऑफिस में देखो क्या है, और एक इसमें एक ऐसा आइटम सॉन्ग होना चाहिए, जो बहुत सारे फिनेंसेस एक्चुअली हमारे से हमें छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि हमने उनकी बात नहीं मानी है कि इसमें फिनेंस, इसमें एक आइटम सॉन्ग होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सो द थिंग इज कि आइटम सॉन्ग भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो फोक बेस्ड हो या हम किसी
फोक कल्चर की म्यूजिक को प्रमोट कर रहे हो तो. बट अब आवर डायरेक्टर राइटर नितिन चंद्रा वॉज ऑलवेज वेरी स्टबर्न ऑन सेइंग कि इसमें से तो एक वर्ड भी नहीं बदलने वाला है. सो देखिए सब लोग जिस भी प्रोफेशन में है सबने बहुत सारे रिस्क उठाए हैं लाइफ में, लेकिन फिर वो मुझे मजा ही नहीं आता है कि चैलेंजिंग लाइफ ना हो तो. और खासकर जहां से हम आते हैं वहां के हर प्रोफेशन में हर आदमी को चैलेंज और रिस्क से ही जीना पड़ता है, चाहे वो टॉप के ही पोजीशन में क्यों ना हो. तो आई हैव गॉट यूज टू इट एंड आई हैव बीन सीइंग लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी यू नो इंस्पायरिंग मी टू डू इट. और यहाँ तो ऑथेंटिक वेल एजुकेटेड फिल्म मेकर मेरे घर में ही है, और अगर हमने रूट्स के साथ जुड़ने का सोच लिया है तो फिर रिस्क तो है ही. बट देखिए आज हम लोग एक इज्जत से तो कह सकते हैं कि हमने अपने रूट्स का साथ दिया और नाउ वी गॉट एक्नॉलेज्ड एंड नेशनल अवार्ड विद अस. भाई बहन का जो रिश्ता होता है नितिन जी बहुत ही ना प्यार भरा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बहन अपने भाई को सपोर्ट कर सके, इतना कैपेबल होती नहीं है. आप कितना फॉर्चुनेट समझते हैं इस बात को लेकर कि आपकी बहन आपको सपोर्ट करती है मतलब एज अ प्रोड्यूसर? वो ऑब्वियसली बहुत फॉर्चुनेट, क्योंकि नीतू नहीं रहती तो ये फिल्म नहीं बनती दोनों. और आगे भी जो हम लोग फिल्म बना रहे हैं उसमें नीतू का ऑब्वियसली बहुत सारा जितने भी नेटवर्किंग है लोग हैं जो आते हैं सब तो उसकी वजह से आते हैं. मैं सिर्फ कहानी लिखता हूँ और डायरेक्ट करना जानता हूँ, लेकिन नहीं, ये सही नहीं है. एक्चुअली आई हैव टू टेल यू इट्स अ बोथ वेज. आई हैव टू टेल यू क्योंकि हम जैसे मुझे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने की आदत है. प्रियदर्शन ने मुझे मौका दिया, फिर मैं मधुर भंडारकर के साथ, दिबाकर बैनर्जी के साथ, राम गोपाल वर्मा के साथ, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ मैं जुड़ी रही हूँ. विक्रम के कुमार के साथ, साउथ के हों या हिंदी हों, तो एक अच्छे ब्रीड के डायरेक्टर्स जिसको कैसे उनकी आदत सी हो गई. तो जहां तक सपोर्ट करने की बात है ना, इट्स ऑल्सो a support to my creative mind which is on a egoistic platform to work only with good directors, I would say that. तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि ठीक है network होता है, लेकिन वो network कभी भी उस वक्त पूरा नहीं होता या आपको support नहीं करता अगर आपके पास कुछ authentic content ना हो. बहुत सारे लोग के पास network है और बहुत सारे superstars के बच्चे है वहां पर जिनके हजार गुना ज्यादा नेटवर्क मुझसे होंगे, लेकिन शायद वो उस लायक नहीं होंगे या कैपेबल या कोशिश करके हार चुके होंगे, इसलिए उनको सपोर्ट करने के उनके पेरेंट्स भी नहीं खड़े हो पाते हैं. मैं तो कुछ भी नहीं हूं एक्चुअली. मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये एक स्ट्रांग आइडिया, गुड डायरेक्शन और थॉट जिद. नितिन इज अ जिद्दी पर्सन, ही जिद्दी कि वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस. सो एंड आई एम टोटली अ रिस्क फैक्टर इन माई लाइफ. मैंने एज पे ही जिंदगी जी है, चाहे मैं कोई भी फिल्म चूज कर रही हूँ उसके बाद मेरी कोई फिल्म ना हो फिर भी मैं वही चूज करूंगी जो मुझे करना है. तो हम लोग दोनों जिद और एज के लोग हैं. सो यू नो इट गोज हैंड इन हैंड साइमल्टेनियसली एंड दैट इज वाई वी स्टैंड टूगेदर विद दिस पोजिशनिंग. ये कहना चाहूंगी सोशली इंक्लाइंड फिल्म आपने शुरुआत से वही बनाई है, आगे चल के कभी ऐसा प्लानिंग है कि कमर्शियल फिल्म बनाओ, प्रॉफिट मोटिव फिल्म बनाओ? प्रॉफिट मोटिव से तो मुझे नहीं लगता मैं बनाने वाला हूँ कभी भी, लेकिन ये फिल्म कमर्शियल है टोटली, इससे पहले वाली भी कमर्शियल है, और जितनी भी फिल्में बनती हैं जिन जो लोग थिएटर में लगाते हैं वो सब कमर्शियल ही फिल्म होती हैं. हाँ, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हाँ इसमें देखो ये वाला कर दो तो ये टेरिटरी यहाँ बेच देंगे और ये चार गाने डाल दो तो म्यूजिक कैसे हो जाएगा, वो जोड़ तोड़ और वो जो ऑडियंस को बेवकूफ बनाने वाला काम मुझे आता भी नहीं है वैसे करना है और ना ही सीखना है. तो मोटिव मेरा प्रॉफिट, पैसे का प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो आ ही जाता है, मतलब पैसा तो लोग कुछ भी उलझुल बना के बना ही लेते हैं, लेकिन पैसा जरूरी है ही नहीं. पहली बात तो ये है क्योंकि पैसा आपको आना ही है. जैसे जैसे समय बीतेगा आपके बाल पकेंगे या आपकी उम्र बढ़ेगी, वो नेचुरल प्रोसेस, पैसा आता ही है. लेकिन क्या है कि अच्छा सिनेमा बनाना रेयर बात है. अगर अच्छा सिनेमा बनाना आसान ही रहता तो फिर 50 साल में एक ही अवार्ड क्यों मिलता बिहार को, वहां से तो इतने सारे लोग हैं, उनकी भाषा में एक ही बिहार की बनी हुई एक ही नेशनल अवार्डेड फिल्म है. तो पैसा जरूरी नहीं है और पैसा किसी के लिए भी जरूरी नहीं है, मतलब जो सिनेमा एनेमा के लाइन में है, क्योंकि अच्छा काम जरूरी है, क्योंकि पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट, तो वो आना ही, उसके बारे में आप सोचिए ही मत, वो तो आएगा ही. करेक्ट. लेकिन एक, एक, इसको इस तरह से अगर देखा जाए कि हम लोग शुरू से ही अगर बजट
सोच के चले कि इस तरह की फिल्म में इतना बजट जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे यू नो आई हैव सीन की ओवर बजटेड फिल्म्स हो जाती हैं, जो कि अच्छी फिल्में भी होती हैं लेकिन वो नहीं चलती है क्योंकि वो ओवर बजटेड है. तो यहाँ पे हम दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इसी पे रहता है कि ये बजट की ये फिल्म ये बजट की बननी चाहिए एंड वी विल नॉट क्रॉस दिस बजट. तो उस तरह से देखा जाए तो यू नो हम लोग ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल पोजिशन पर रहते हैं. अभी आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर नहीं, आप स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक भी है, मतलब मार्शल एक्सपर्ट हैं. अभी हाल ही में जो हुआ था कि रियो ओलंपिक्स के लिए सलमान का अपॉइंट किया गया ब्रांडा मार्शल, तो आप इतने इससे प्रैक्टिकली या जेन्यून समझते इस चीज को, क्योंकि इतने सारे स्पोर्ट्स लेजेंड हैं, गावस्कर हैं, मिल्खा सिंह हैं, फिर सलमान लोग हैं. यू आर राइट ऑन इन दिस वे, लेकिन ना मैं यहाँ पे मुझे एक स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करना चाहिए, राइट करना जरूर चाहिए मुझे एक सपोर्ट. मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, इंडिया रिप्रेजेंट किया है, लेकिन मैं इस सिचुएशन में ना सलमान को सपोर्ट करती हूँ. एंड आई विल टेल यू व्हाई सलमान खान, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है, बहुत पोजिशनिंग और बहुत जान लगाई है, लेकिन जब लोगों को कुछ जानना है किसी स्पोर्ट्समैन के बारे में तो लोग आंख बंद करके फिल्म एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं या उनको फॉलो करते हैं. अगर सलमान खान के नाम के थ्रू हम उन स्पोर्ट्स पीपल को जान पाएं या उनको प्रमोट कर पाएं जिस के लायक वो है और जिस लायक दुनिया उनको जाननी चाहिए, और इफ सलमान इज दी वे और यू नो द नेम जिसके थ्रू ये हो सकता है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ह्यूज है, तो शायद इस पोजीशन में मैं कहूंगी कि सलमान खान इज द राइट चॉइस. बिकॉज और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी वैसी फॉलोइंग नहीं है जिससे न्यू कमर्स जूनियर्स मेडल होल्डर्स को वो रिकग्निशन मिल सकेगा, इसलिए आई थिंक सलमान खान इज अ गुड चॉइस. हाँ, काफी सारा है. मैं मेरा ज्यादा ध्यान भोजपुरी मैथिली पर है और एक हिंदी फिल्म है जो नेक्स्ट उस पे काम चल रहा है लड़ाकू. उसके अलावा साथ में मैं एक भोजपुरी भी लिख रहा हूँ. हिंदी फिल्म है, उसका नाम लड़ाकू है और वो मार्शल आर्ट बेस्ड नीतू के साथ ही है. वो नीतू ही मेन लीड में है, उसके अलावा दूसरे बहुत सारे एक्टर्स होंगे जिनसे बात चल रही है. वो फिल्म दो भाषा में है, लड़ाकू विच इज हिंदी एंड इंग्लिश में द ओलंपिक गर्ल. वेल मेरी एक ग्रीक इंग्लिश फिल्म है जिसके प्रोमोज यूट्यूब पे हैं, उसका नाम है ब्लॉक 12. इंटरनेशनली एक और प्रोजेक्ट जिसके बारे में अभी नहीं बात कर सकते, लेकिन एक तमिल फिल्म है जिसमें मैं डबल रोल कर रही हूँ, उसका नाम वाइगाई एक्सप्रेस है. एक हिंदी फिल्म है लड़ाकू, मार्शल आर्ट्स की फिल्म है, और बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला कि यू नो एक मार्शल आर्ट ऑथेंटिक मार्शल आर्ट्स फिल्म करने का मौका मिलेगा एक फिल्म में, जिसके लिए मैं जी जान लगा के रेडी रहूंगी और कर रही हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज माई ब्रदर इज डायरेक्टिंग इट, तो मुझे मेरे भाई से ज्यादा कोई और जान नहीं सकता, तो ये एक अच्छी बात होगी. थैंक यू सर.